राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के एसपी सिंह और डॉक्टर सीमा जोशी ने शहर के शिक्षण संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्र और बाल गिरोह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कलेक्टर सभागार में बाल अधिकार संरक्षण के संबंध में बैठक ली। डॉक्टर सीमा ने बताया कि शहर में बढ़ते बच्चों में नशे की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया गया और जल्द से जल्द नशे के कारोबार पर रोक लगाने की बात कही। हम लोगों ने पहले भी हमने अजमेर में मीटिंग रखी थी, तब भी हमारे सामने बात आई थी कि यहाँ पर नशे की प्रवृत्ति बच्चों में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोगों ने इसके ऊपर एक पूरी स्टडी की है कि ये कारण और निवारण दोनों के लिए, तो वो स्टडी की रिपोर्ट हम जल्दी आप लोग को भी देंगे और साथ ही आज उसी के लिए, उसी के संदर्भ में आगे और क्या कार्यवाही हो सकती है और किस तरह से इन मामलों को हम पकड़ सकते हैं, साथ में इन पर रोक लगा सकते हैं, इसके लिए आज हमने यहाँ पे अजमेर में सभी पुलिस ऑफिसर्स की और जितने भी संबंधित ऑफिसर्स हैं उनकी हमने यहाँ मीटिंग रखी है। अब जो बात निकल के आएगी उस हिसाब से हम लोग नियम बना के जो भी यहाँ लागू करवाना है और साथ में जो जाँच करवानी है उसके लिए सख्त कदम उठाएंगे। थाना जितने भी थाने हैं यहाँ के, उनको भी कोई आदेश दिए गए? हाँ बिल्कुल, आज सभी थाने वालों को भी हमने बैठक में बुलाया है, क्योंकि नशा और मतलब बच्चों से संबंधित सारे मामले पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जब तक हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो इसमें बदलाव नहीं आ पाएगा, इसलिए आज सभी थाने वालों को भी, एनजीओस को, सभी संबंधित अफसर्स को हमने बुलाया। खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।